हेलो सिमरन अगेन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज का टॉपिक है कि व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स, राइट। तो जब हम लोग फ्रेशर होते हैं, एज अ फ्रेशर जब हम लोग जॉब के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, लाइक नौकरी पे, IIM जॉब्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जब अप्लाई करते हैं, तो हम लोग अप्लाई तो करते हैं। दिन में एक टाइम हम लोग या दो टाइम हम लोग अप्लाई में देते हैं कि इस जॉब में, इस कंपनी में हम लोगों को अप्लाई करना है जॉब के लिए, लेकिन स्टिल हम लोगों को उस तरफ से जो है मैसेज नहीं आता है, मेल नहीं आता है, ये इंटरव्यू कॉल्स नहीं आता है, राइट। तो इस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एज अ स्टूडेंट कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या मुझ पे कुछ कमी है, क्या मेरे पे क्या चीज का कमी हो रहा है जो कंपनीज मेरे रिज्यूम देख के या मेरे CV देख के, मेरा प्रोफाइल देख के वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे मेरे को कॉल करने के लिए फॉर इंटरव्यूज, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा एक फ्रस्ट्रेटेड फेज होता है, एंड ये क्यों होता है, ठीक है, क्यों हम लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आता है, क्या ऐसा गलती रहता है हम लोगों में, ये हम चीज को लेके हम लोग आज बात करेंगे, एंड उसके साथ साथ क्या करने से ये इंटरव्यू कॉल्स आने का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है, उसके लेके भी आज बात करेंगे। तो ऐसा ही कुछ रीजंस एंड उस रीजंस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब चीज लेके आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंटरव्यू कॉल्स नहीं आने का पहला जो रीजन हो सकता है, मेजर रीजन हो सकता है, वो है कि रिज्यूम में इशू, और आपका जो CV है उसका कुछ अगर इशू होता है, मतलब आपका जो रिज्यूमे है और आपका जो CV है वो जो अपलोड किया हुआ है डिफरेंट साइट्स पे, ओके, वहां पे अगर आपका जो स्किल है या आपका जो एक्सपीरियंस है वो अगर सही से हाईलाइट नहीं किया हुआ रहता है, ठीक है, वो अगर सही से मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, या रिज्यूमे बहुत ज्यादा मैसी रहता है जहाँ पे जो सामने वाले हैं, जो जॉब इंटरव्यूअर है या जो आपका रिज्यूमे देख रहे हैं, ठीक है, वो अगर उनको समझ नहीं आता है कि प्रॉपरली किस चीजों पे आपका जो है स्किल है, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है प्रॉपरली क्या चीजों पे है, कहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन किए हो, या क्या इस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ये अगर नहीं समझ आता है तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही हो सकता है कि आपका जो रिज्यूमे है या आपका जो CV है उसको प्रॉपरली बनाओ, कस्टमाइज योर जॉब रिज्यूमे फॉर ईच एप्लीकेशन, ओके। आप अगर डिफरेंट रोल के लिए, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए डिफरेंट जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अलग अलग रिज्यूमे बना के रखो जहां पे वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। सो हाईलाइट द रिलीवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट मैच द रिलीवेंट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। एंड नेक्स्ट जो मेजर रीजन हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आने का, वो है कि लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो लैक ऑफ स्किल्स मतलब यू ओनली गेट हायर इफ यू हैव मल्टीपल स्किल्स, ठीक है, क्योंकि अभी के सब कंपनीज, कोई भी कंपनी, ठीक है, सबसे उनको जरूरत जो चीज होता है वो होता है कि आप में कितना ज्यादा स्किल्स है एंड मल्टीपल स्किल्स है, ठीक है, सिर्फ एक चीजों में स्किल है एंड बाकी चीजों में आप डम हो ऐसा नहीं, आपके पास कितना मल्टीपल स्किल्स है, कितना मल्टीपल काम है आप कर सकते हो, ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा वैरी करता है। जब भी आप कोई भी जॉब इंटरव्यू के लिए, कोई भी जॉब में आप अप्लाई करने जाओ, वहां पे मेनली जो चीज मेंशन किया हुआ रहता है कि स्किल बेस्ड में हायर करते हैं, ठीक है, तो स्किल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास स्किल नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज है, ठीक है, एंड जो कंपनीज जो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो अगर आपके पास नहीं है, बट स्टिल आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के लिए, उस जॉब के लिए, बिना आपके पास वो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस रहते हुए, ठीक है, तो आपके पास ऑब्वियसली इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पहले तो आइडेंटिफाई द स्किल गैप्स, ओके, मतलब जो स्किल्स आप में आपके पास है एंड कंपनीज या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे जो स्किल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस वो लोग मेंशन किए हैं उसमें क्या गैप है,
ठीक है, क्या स्किल्स आपके पास नहीं है जो वो लोग मांग रहे हैं उसे आप पहले ढूंढो। तो उसके लिए आपको जो करना है वो है कि आप डिफरेंट कोर्सेस ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेस अटेंड कर सकते हो, इवेंट अटेंड कर सकते हो, एंड स्पेशली वो ऑनलाइन कोर्सेस आप करने का ट्राई करो जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। मीन सर्टिफिकेशन जो कोर्स होते हैं, ठीक है, लाइक अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो तो वो चीज एक प्रूफ रहता है आपके पास कि हाँ आप टाइम टू टाइम आप अपना जो नॉलेज है, अपना जो स्किल्स है वो अपडेट करते रहते हो, ठीक है। वो सर्टिफिकेशन जो होता है वो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मायने रखता है जॉब इंटरव्यू के टाइम, एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है आपका बहुत जल्दी शॉर्टलिस्टेड होने के लिए फॉर इंटरव्यू कॉल्स। एंड नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आने का वो है कि लैक ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग ऐसा चीज है कि बहुत कैंडिडेट्स जो है वो नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं, बहुत कैंडिडेट्स है कि नेटवर्किंग में बिलीव नहीं करते हैं। तो नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। मतलब क्या है कि आप जो आपके पास जो स्किल्स है, ठीक है, आपके पास जो क्वालिफिकेशंस है वो कभी एनफ नहीं होता है अगर आपके पास नेटवर्क हुआ, ठीक है। आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो कंपनी रिलेटेड अगर आपके पास एम्प्लॉयज वगैरह हुए, जाना हुआ, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट करने का ट्राई करो, उनसे आप कुछ इंफॉर्मेशन लो अबाउट कंपनी जो इंटरव्यू के लिए उनके पास जा सको, ठीक है। एक कनेक्शन बॉन्ड एक तैयार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप लिंक्डइन में, ठीक है, बहुत ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वो इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें लिंक दिया रहता है, वो लिंक में अगर आप जाके वो इवेंट्स पार्टिसिपेट करते हो वहां पे आप अपना क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वहां पे अगर आप एक्टिव रहते हो तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। नेक्स्ट जो लास्ट रीजन हो सकता है मेरी तरफ से वो है कि आपका एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी। एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी मतलब आप दिन दिन में 100 एप्लीकेशन भी देते हो, ठीक है, लेकिन उससे आपको जो रिटर्न बैक रिस्पॉन्स आता है वो 10 to 20% भी नहीं आता है, तो वो बहुत ज्यादा एक खराब चीज है, ठीक है, इस फ्रस्ट्रेटेड चीज होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये वैरी करता है कि आप कैसे और कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे हो, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप 1 2 घंटा टाइम दे रहे हो अप्लाई करने के लिए लेकिन गलत जगह पे दे रहे हो, ठीक है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। तो आप वहां पे अप्लाई करो, ठीक है, आप अगर 100 कंपनी पे अप्लाई नहीं करके आप अगर 50 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो 50 कंपनी ऐसा कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आपका स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैच करता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। वो 50 कंपनी का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आप चीज ध्यान में रखो कि कहीं भी अप्लाई मत करो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा आपका क्वालिफिकेशन के साथ एंड आपके बैकग्राउंड से साथ मैच कर रहा है वहां पे आप अप्लाई करो, ओके। तो ये कुछ रीजंस थे फ्रॉम माय साइड जो जिसके लिए आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ सकते, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये रीजंस एंड सॉल्यूशंस अगर आपको लगता है कि आपके काम में आ सकता है, इसे आप ध्यान में रखना जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ अगर किसी को जरूरत हो, ठीक है, एंड एक लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।